दोस्तों बॉलीवुड में किन्हीं दो रैपर्स की सबसे ज़्यादा राइवलरी और दोस्ती मानी गई है तो वो है बादशाह और हनी सिंह। एक ज़माने में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त माने जाने वाले अब एक दूसरे के रैपर राइवलरी है। जी हाँ दोस्तों, और इन दोनों की रैपर राइवलरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है। वहीं बादशाह आजकल अपने करियर के पीक पर है। आपको बता दें कि कल बादशाह की एक फिल्म खानदानी शफाखाना रिलीज़ होने वाली है, जहां बादशाह पहली बार बॉलीवुड में अपना एक्टिंग करियर शुरू करते हुए नजर आएंगे। उसी के संदर्भ में हनी सिंह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पूछा गया कि हनी सिंह, आप बादशाह की एक्टिंग डेब्यू को लेकर कितने एक्साइटेड हैं या फिर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो हनी सिंह ने कहा कि बादशाह को लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहा है। हालांकि रैपिंग से उसने शुरुआत की थी, अब वो एक्टिंग में भी घुस रहा है और इंसान को नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। मैं बादशाह के लिए काफ़ी खुश हूँ और भगवान करे कि वो आगे भी कुछ अच्छा ही करता रहे। दोस्तों हनी सिंह के ये बोल थे और उन्होंने मीडिया के सामने बादशाह को काफ़ी अच्छा बताया, साथ ही साथ उनको आने वाले टाइम के लिए शुभकामनाएँ भी दी। हाल ही में टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल अकाउंट से एक गाना रिलीज़ किया गया, जो कि हनी सिंह का गाना गुल और इश्क मीठा था। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये गाना पसंद आया। हालांकि गाना रीमेक है, लेकिन हनी सिंह इस गाने को बेहतरीन रीमेक के साथ लोगों के सामने पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हनी सिंह जल्द ही आपको साहू के लिए गाना करते हुए नज़र आएंगे। वहीं साहू फिल्म के अंदर ये बेहतरीन सॉन्ग होने वाला है, जो कि हनी सिंह ने स्पेशली इस फिल्म के लिए बनाया है। इस गाने के ऊपर आपको प्रभास और श्रद्धा कपूर थिरकती हुई नजर आएंगे। हालांकि साउथ इंडियन फिल्म के लिए पहली बार हनी सिंह कोई गाना बनाएंगे और ये गाना काफ़ी शानदार रहने वाला है। रजनीकांत के ऊपर भी हनी सिंह ने पहले एक गाना बनाया था, जो कि लोगों को लुंगी डांस काफ़ी पसंद आया था। हालांकि वो बॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन साहू एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसे हिंदी में भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं की फिल्म खानदानी शफाखाना के लिए, हमें कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।